Question number 6 of the additional question bank. In how many years will a sum of money double? Will a sum of money double at the rate of 5% per annum but compound interest? पहले तो ध्यान देना बच्चों, सबसे प्रॉब्लम अगर शॉर्टकट यूज करने का वही है कि भाई दो ऑप्शन एकदम क्लोज है, ओके, 14 इयर्स 2 मंथ्स एंड 14 इयर्स 3 मंथ्स. अगर दो ऑप्शन में डिफरेंस है तो फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, वो तुमको वो भी बताऊंगा मैं. बट यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हमको लॉन्ग मेथड ही मोस्ट साइंटिफिक मेथड रहेगा यहाँ पे. अगर डिफरेंस काफी था दो सालों में, दो ऑप्शन में सॉरी, देन डेफिनेटली हम लोग शॉर्टकट में भी जाते थे. ठीक है, तो हम लोग दोनों ऑप्शन से यहाँ पे ट्राई करेंगे. ओके, सिंपल है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं बट डबलिंग का पूछा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 5% पर एनम. कंपाउंडिंग एनुअली मानना पड़ेगा क्योंकि और कुछ डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट इट विल डबल. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड एनुअली मान लो, तो उसको हमारा फॉर्मूला याद है तुमको, अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ एन. बराबर है, अमाउंट डबल हुआ है, मतलब जो प्रिंसिपल था वो डबल हुआ है. तो ध्यान देना, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को मानते हैं 1, प्रिंसिपल को मानते हैं 1 या फिर 100, जो भी लेना है वो ले लो यार, 1 मान लो शुरुआत में, तो कितना हुआ बाद में, कितने सालों के बाद, वो ही तो हमको ढूंढना है. जो भी नंबर ऑफ इयर्स है वो उसके बाद प्रिंसिपल कितना हुआ, डबल हुआ, मतलब अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ, डबल हुआ, मतलब अमाउंट कितना हुआ, 2 हुआ. समझ रहे हो, डबल हुआ है वो. ठीक है, फॉर्मूला तो वैसे के वैसे रहेगा, 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ, अभी आर का वैल्यू है अपने पास, आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली ही है, सो 5/100. इंपॉर्टेंट तो भाई हमारा एन था यहाँ पे. अभी मैं 1 को लेफ्ट पे लेके जाऊँ, सो 2 डिवाइड बाय 1 इज जस्ट 1, इज जस्ट 2, सो 2 इक्वल्स टू 1.05. ओके, 5/100 इज 0.05 प्लस 1, सो 1.05 टू द पावर ऑफ एन. अब इसके बाद क्या होता है ना बच्चों, इसके बाद ट्रायल एरर शुरू हो जाता है. अगर तुम्हारी लाइफ ईजी रहती थी ना, तो इन्होंने दो ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, पर अगर होता था तो फिर तुम्हारा ट्रायल एरर से एक पक्का आंसर आता था. ओके, तो ट्रायल एरर मतलब क्या, 1.05 इनटू इक्वल टू करते जाओ, जब तक तुमको 2 एग्जैक्टली नहीं आता, तो फिर से वो बैठेगा बेचारा 14 पॉइंट कुछ ना कुछ बैठेगा, 14 और 15 में बैठेगा, तो फिर से हमारे पास परफेक्ट आंसर नहीं है, इसीलिए हमको लॉग मेथड यूज करना पड़ेगा. ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1.05 टू द पावर ऑफ n. ओके, ये लॉग का रूल है, ये देखो लॉग का रूल क्या है, लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू n इनटू लॉग ऑफ 1.05. बराबर है, लॉग ऑफ a टू द पावर ऑफ b इज b इनटू लॉग ऑफ a. ओके, देयरफॉर अभी हमको मेनली क्या चाहिए था बच्चों, n तो चाहिए था ना, देयरफॉर n इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन में क्या बैठता है, लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 1.05. ओके, अब ये तुम खुद कैसे भी फाइंड कर सकते हो, तो सिंपल कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हो, उसका एक शॉर्टकट भी आता है, उसका लिए अलग वीडियो है, मैं उसका भी एक वीडियो तुमको मिल जाएगा, देख लेना. फिलहाल के लिए मैं तुमको वैल्यू देता हूँ. ओके, सो लॉग ऑफ 2 इज 0.3010 अपॉन एंड लॉग ऑफ 1.05 इज 0.0212. ओके, तो ये आता है तुम्हारा, चेक करो, 14.198, मतलब 14.2 तो ले सकते हो ना, 14 ईयर्स तो है अपने पास, ये तो पक्का है. ठीक है, 14.198 ईयर्स हुआ है ना, ये है ना, तो 14 ईयर्स तो कंप्लीट है. ओके, इनटू जो बैलेंस है ये ईयर्स है बच्चों, 0.198 भी क्या है, ईयर्स है, देयरफॉर क्या करेंगे, 0.198 इनटू 12 मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स में लाने के लिए. ओके, 0.198 जो है ना वो ईयर था ना, वन ईयर हुआ, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हुए, इनटू 12 कर दो, तो ये 0.198 का कितना हुआ, 2.37 मंथ्स हुआ ये. तो 2 तो है ना अपने पास, 3 तो नहीं हुआ ना, तो ये 14 इयर्स है अपना मेन आंसर्स, एंड 2.37 मंथ्स है, पर 2 मंथ्स तो कंप्लीट हुए, 3 तो नहीं हुआ. ओके डियर, और 2.3 ही है, मतलब 2.33 है, 2.5 के आगे तो नहीं जा रहा, 2.99 तो नहीं है. ओके, सो 2 मंथ्स पे ही आंसर हमको रखना पड़ेगा, सो 14 इयर्स एंड 2 मंथ्स व्हिच इज ऑप्शन बी, 14 years and 2 months. काफी क्लोज ऑप्शन है. अब आते हैं ट्रिक के ऊपर, चेक कर लेते ट्रिक. ओके, ट्रिक ऑफ डबलिंग पे. अब कंपाउंडिंग है, जो भी इंटरेस्ट डबल होने के लिए ट्रिक क्या है, डबल के लिए इट इज रूल ऑफ, बोलो, रूल ऑफ 69. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी से 69 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और आखिर में 0.35 करेंगे हम लोग इसको. ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ 69. काफी मतलब अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, बट एक फिर से हमको एक माइंड हल्का होने के लिए कि हमारा आंसर ठीक से आया है या नहीं.
सो 69 रहेगा एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा जस्ट 5.5% है, तो उसको 5 वैसे के वैसे ही रखो. सो 69 अपॉन 5 प्लस 0.35, इसको करो चलो जल्दी, यह आया तुम्हारा 14.15. चलो ना, एटलीस्ट 3-4-5 तो नहीं जा रहा है, 1.15 मतलब किसके नजदीक आया, 14.2 के आसपास ही तो है. ओके फाइन टेल यू, सो 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स तुम्हारे नजदीक है यहाँ पे. ओके फाइन टेल यू, 0.15 ईयर है ना, फिर से 14 ईयर्स है और 0.15 भी तो ईयर है, सो 0.15 इंटू 12 मंथ्स भी अगर मैं करूँ मंथ्स के हिसाब से, तो ये तुम्हारा 1.8 मंथ्स हुआ. अब 1.8 मंथ्स मतलब 2 महीने तो हुए ना यार ऑलमोस्ट, सो आंसर क्या हुआ, 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स विद शॉर्टकट ऑल्सो. तो अभी हमारा आंसर तो पक्का कंफर्म है, यही आंसर है. फाइन, अगर मान लेना 14 ईयर्स 2 मंथ्स होता और यहाँ पे 13 ईयर्स 3 मंथ्स भी होता था ना, जो भी था ना, तो शॉर्टकट तो मतलब फटाक से तुमको 2 सेकंड में आंसर देता था, 69 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35, खत्म, आंसर क्लोज यहाँ पे, समझा यहाँ पे. सो ऑप्शन इज ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन बी. ओके.